डियर स्टूडेंट, आज हम फिल्टर ऐश टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि फिल्टर ऐश टेस्ट जो कि ड्राई टेस्ट है साल्ट एनालिसिस में किया जाता है। ये आमतौर पर बेसिक रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो ये आमतौर पर कौन से बेसिक रेडिकल के लिए की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रोसीजर या मेथड क्या है, तो आज हम ये डिस्कस करते हैं। फिल्टर ऐश टेस्ट, फिल्टर ऐश टेस्ट, फिल्टर ऐश टेस्ट या ड्राई टेस्ट, ड्राई टेस्ट। फिल्टर ऐश टेस्ट है, ये ड्राई टेस्ट है। तो फिल्टर ऐश टेस्ट जो है, इसके जो प्रोसीजर है, टेक कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन, कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए चाइना डिश, चाइना डिश एट ए पिंच ऑफ साल्ट इन दिस इन द अबव सॉल्यूशन डिप अ फिल्टर पेपर सर्किट, फिल्टर पेपर सर्किट इन द अबव सॉल्यूशन। ड्राई द फिल्टर पेपर सर्किट एंड बर्न, एंड बर्न इट ऑन फ्लेम। नोट द कलर ऑफ ऐश, कलर ऑफ ऐश। तो इसके लिए क्या करेगा, एक चाइना डिश ले लें, चाइना डिश ले लें या टेस्ट ट्यूब ले लें, उसमें कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल लें, कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म में उसको डिजॉल्व कर लें, डिस्टिल वाटर में, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर जो गिवन साल्ट है उसकी थोड़ी सी मात्रा, पिंच थोड़ी सी मात्रा उसमें हाल करें। इसके बाद फिर फिल्टर पेपर सर्किट ले लें, उसको इस सॉल्यूशन में डिप करें, डिप करने के बाद इसे ड्राई करें, इस फिल्टर पेपर सर्किट को जरा खुश कर लें, ड्राई कर लें। इसके बाद इसको फ्लेम पर जलाएं, फ्लेम पर जब जलाएंगे तो इस फिल्टर पेपर के जो राख बनेगी ऐश, तो उस ऐश का जो है फिर आप कलर नोट करेंगे, ऐश का कलर नोट करेंगे। अब उस ऐश के कलर से आप जो रेडिकल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फिल्टर ऐश के जरिए हम किन रेडिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये जरा ये देखें, फिल्टर ऐश, कलर ऑफ ऐश, कलर ऑफ ऐश और रेडिकल्स। नंबर एक, अगर पिंक, अगर ऐश का कलर पिंक है तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रेडिकल होगा। अगर ऐश का कलर ग्रीन है तो फिर जिंक होगा। अगर इसका कलर जो है ब्लूइश है, ब्लू है, ब्लू है, तो फिर एल्यूमिनियम या फिर फास्फेट। और अगर ब्लूइश ग्रीन है, ब्लूइश ग्रीन, तो फिर स्टैनस है। तो ये रेडिकल है जिनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए फिल्टर ऐश टेस्ट किया जाता है। तो बहरहाल दो ड्राई टेस्ट आपने करने होंगे बेसिक रेडिकल के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट ड्राई टेस्ट हैं